आदाब नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। न्यूज एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एंड न्यूज, देखिए सिर्फ हकीकत। हिंदुस्तान का दिल है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल जबलपुर। अपनी खूबसूरती के लिए पूरे देश में एक अलग मुकाम रखता है, पर आज हम बात करेंगे जबलपुर के नायाब नॉनवेज फूड की, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनाया जाता। जबरदस्त जायकेदार बादल के कबाब आइटम और हाफिया होटल के कीमे वाले समोसे। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के खानों का लुत्फ उठाते हैं। आप भी अगर नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो देखिए अयाज अहमद खान के साथ न्यूज एंड न्यूज की ये खास रिपोर्ट। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एंड न्यूज, देखिए सिर्फ हकीकत। आदाब नमस्कार, मैं हूं अयाज अहमद खान, आप देख रहे हैं न्यूज एंड न्यूज। आज हम मध्य प्रदेश के जबलपुर संस्कारधारी में मौजूद हैं और जो भी नॉनवेज खाने के जो शौकीन हैं, जो भी कभी जबलपुर आए तो यहाँ के बादल कबाब जरूर खाएं। आइए हम इसकी खासियत बताते हैं क्या क्या है यहाँ पर। जी भाई, चिकन टिक्का बोलते हैं, कबाब बोटी टिक्का बोलते हैं, बोटी टिक्का, ये सीख कबाब है, ये कलेजी कबाब है, ये हमारे जबलपुर की जो खास है, हमारे दुकान की जो खास डिश है जी, वो नैरो का आइटम। तो अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे ये क्या चीज़ है, खास चीज़ क्या है? ये नली जो होती है उसका गुदा है, उसको हम लोग आइटम बोलते हैं यहाँ। ये बहुत फेमस चीज़ है हमारे शहर जबलपुर की, काफी लोग पसंद करते हैं। पूरी मुंबई हैदराबाद में मैंने ऐसा नहीं देखा, ये एक नायाब चीज़ है यहाँ पे जिसको आइटम कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप जी दोस्तों, देखिए बहुत ही शानदार आपको डिशेस यहाँ के दिखा रहे हैं हम जबलपुर की। तो दोस्तों बादल कबाब में यहाँ पे जो लोग खाने आए, आइए उनसे डायरेक्ट जानते हैं कि आखिर क्या है यहाँ का जायका और कैसा बनता है यहाँ पर। जी सर, क्या नाम है आपका? कबीर नाम है। कबीर जी, ये बताइए अभी क्या खा रहे हैं आप? मैं आइटम खा रहा हूँ। तो ये कैसा है, इसका जायका क्या है? बहुत ही लाजवाब, पहली बार मैंने लाइफ में अपनी खाया है। कहाँ से आया? मैं सागर से आया। सागर से आया, यहाँ के अलावा कहीं और भी मिलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने हर जगह का जायका चखा जी, मुंबई हो चाहे नॉर्थ में कहीं भी हो, लेकिन ये पहली चीज़ मिली है मुझे जो आइटम के नाम से है। ये चैनल भी हमारा मुंबई से है, मुंबई से हम बताएं, लेकिन ये चीज़ हमने मुंबई में भी नहीं देखी है। और आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ से सर? नहीं, लोकल है, लोकल है। कब से खा रहे हैं आप यहाँ? 3-4 महीने हो गए। कैसे कबाब हैं? बहुत बढ़िया कबाब, बादल कबाब। अरे नाम सुन के आए थे हम। सर कैसा लग रहा है आपको ये? सर मैं रोज ही आता हूँ यहाँ पर, हर मतलब हफ्ते में 5 से 6 बार आता हूँ मैं, और 3-4 महीने से आ रहा हूँ यही लोकल जबलपुर से, और रोज आता हूँ। तो ये चीज़ कहीं मिलती है जबलपुर में? नहीं, मेरे को तो नहीं पता, यही का पता है मेरे को। आप कब से खा रहे हैं? 18 साल हो गए मेरे को। 18 ईयर से खा रहे हैं ये कबाब? मैं मतलब हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार तो माशाल्लाह ये बादल भाई इनके यहाँ आके कबाब जरूर, और स्पेशली आइटम, क्योंकि ये जो आइटम है ये कहीं पे मैंने दोबारा मतलब कहीं खाया भी नहीं और कभी सुना भी नहीं। कहीं किसी को बताते हैं कि आइटम, तो वो अचंभे में होते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, 18 सालों से आप खा रहे, तो कुछ कभी टेस्ट में फ़र्क आया? नहीं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था जो 15 साल या 18 साल पहले था, आज भी वैसा ही टेस्ट है उनके हाथों में। तो आप 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे बादल कबाब? फुल 5 स्टार। 5 स्टार आप कितना देना चाहेंगे? मैं 5 स्टार हूँ। क्या बात है, 5 में से 6। क्या बात है, पूरे एकदम फुल फुल। तो हम भी कहना चाहेंगे आप लोगों से, जबलपुर जब भी आए तो बादल कबाब जरूर आए, और यहाँ का जो आइटम सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो ज़रूर खाएं यहाँ पर आके, क्योंकि ये चीज़ यहाँ के जबलपुर के बड़ी ओमती हुसैन चौक बादल कबाब के अलावा ये कहीं नहीं मिलती ये चीज़। आप कहाँ से आए? मैं तो भाई लखनऊ से। लखनऊ से आया कबाब? यहाँ पर पहली बार खाए, खा चुके हैं? नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार आ रहे हैं ये लखनऊ से आए भाई, और ये तीसरी बार यहाँ पे कबाब खा रहे हैं। कैसे कबाब है यहाँ के? बहुत बढ़िया है, उमदा एकदम। ऐसा तो लखनऊ में भी नहीं है, मतलब इनका जो आइटम है यही मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। अच्छा, ये जो हम आइटम की जो बात कर रहे हैं वो लखनऊ में भी नहीं, देखो एक अभी भाई बैठे थे सागर के और उन्होंने कहा, और यहाँ पर लखनऊ जो इतनी फेमस है, नवाबों की शहर माना जाता है, जहाँ पे गोश्त आइटम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको लखनऊ में भी।
तो कैसा लगा आपको मतलब यहाँ के खाए, क्या फील हो गया उसको खा के? यहाँ का बहुत टेस्टी है, घर के लिए भी ले जा रहा हूँ मैं। अच्छा, घर के लिए लेके जा रहे हैं, क्या बात है, क्या सब लोग यहीं आते हैं भाई? आप कहाँ से हैं? हम भी यहाँ नए मोहल्ले के रहने वाले हैं। यहाँ खा कब आप यहाँ? हमको बचपना हो गया खाते हुए। कभी कोई फर्क आया? नहीं, फर्क नहीं आया, कोई वैसे ही जैसा है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स बैठे हैं, सालों से खा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के रहने वाले भी, बाहर से भी आने वाले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है जायके में। तो हम भी आपसे दरख्वास्त करेंगे एक बार ज़रूर आए बादल कबाब। ये है इकबाल भाई हमारे। इकबाल भाई कब से काम कर रहे हैं आप? आपकी आपकी शॉप है इकबाल भाई का, और ये उनके भाई हैं, ये भतीजे हैं, पूरी फैमिली के लोग मेम्बर हैं यहाँ पर काम करते हैं। इनकी एक ब्रांच और है, वो भी दिखाएंगे आपको सामने बादल कबाब की। लेकिन ये सबसे पहली स्टार्टिंग है जो इनके वालिद साहब ने यहाँ पे जो न्यू रखी थी, ये कितने साल पुराने हुए हैं भाई? 30 साल हो गए मुझे इनको, 30 साल हो गए हैं जी। हकीम भाई इनके बड़े भाई, इनसे जाना चाहेंगे। हकीम भाई कितने साल हो गए आपकी शॉप को, वालिद साहब ने आपको शुरू किया? ये 1979 से स्टार्ट है यहाँ जबलपुर में, और अभी तक चल रही है। पहले पुरानी थी, अभी इसको हमने रेनोवेशन कराया नए तरीके से, और काफ़ी पुराना काम है हमारा। और मुझे ही समझ लीजिए 92 से मैं यहाँ पर प्रॉपर जो है कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ आप लोगों की। अच्छा, जैसे कि आपके कस्टमरों ने बताया है, सागर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, इतने सालों से खा रहे हैं ये लोग, लेकिन इसमें इनको जायके में ज़रा भी कभी फ़र्क नहीं आया, ऐसी क्या बात है? मसाले आप खुद घर के बनाते हैं या बाहर से लाते हैं? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है, अपना तो कुछ नहीं है, और बॉस पाक का सदका है ये, और अपनी तरह से कुछ नहीं है। हम जो मसाला होता है बस वही डाल रहे हैं। बचपन से यहाँ से खा रहे हैं कबाब, देखते देखते उनके सामने के ये भतीजे उनके बड़े हो गए। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद शुएब जी। कब से आप लगे यहाँ पे? बहुत साल हो गया मुझे, मतलब स्कूल लाइफ से मैं यहाँ पर शॉप पर हूँ, पापा के साथ रहता था हमेशा से, फिर अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की, धीरे धीरे अब शॉप पर ही संभालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में हमारी 4 ब्रांचें हैं, 2 यहाँ नए मोहल्ले जबलपुर में, और 2 आधारताल रजा चौक पर जो एरिया कहलाता है, वहाँ पर भी 2 हमारी ब्रांचें हैं। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है और हुजूर गौसे आज़म का करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इतना अच्छा कारोबार और इतनी तरक्की अता की परवरदिगार ने, इसका बेपनाह एहसान है। अगर आप जब भी आप आना चाहें, बादल कबाब मैप पर अगर डालेंगे बादल कबाब के नाम से, तो सबसे सीधा हमारी शॉप पर ही आकर खड़े होंगे आप। ये है हमारे मिस्टर बंटी, इनको छोटे इतने पन से देखते देखते आज इतने बड़े हो गए हैं, इसी शॉप में काम करते हैं ये, और बिल्कुल घर जैसे फैमिली मेम्बर हैं ये। यहाँ पे कितने साल हो गए आपको यहाँ? हमको यहाँ 20 साल हो गए। 20 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप आने वाले दर्शकों क्या कहेंगे जो बाहर से आने वाले हैं? अपने इधर आने वाले लोग है यही है कि हमारी दुकान में आके कबाब एक बार खा के देखिए, आप लोगों को पसंद आएगा ज़रूर। ये यहाँ पर हमारे इधर नए मोहल्ले में बादल कबाब फेमस दुकान है। तो दोस्तों, देखा आपने न्यूज़ एंड न्यूज़ की जाने से हमने आपको एक नई चीज़, एक नई डिश दिखाई हमने, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती है, शायद कभी हो लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी, और अभी तक जितने लोग मिले उन्होंने भी कहा कि यहाँ के अलावा वो चीज़ नहीं मिलती जिसे कहते हैं आइटम। तो आप भी एक बार जबलपुर आएँ और यहाँ के बादल कबाब का जायका लें, उस आइटम को खाएँ और फिर बताएँ। दोस्तों, ये थी बहुत ही ज़बरदस्त कबाब की शॉप यहाँ पे बादल कबाब, जबलपुर आएँ तो ज़रूर खाएँ। और जब कबाब खाएँ तो उसके बाद समोसे को कैसे भूल सकते हैं, हनफिया होटल, ये देख सकते हैं आप हनफिया होटल। यहाँ के जो ऐसे समोसे बनते हैं, आज हम समोसों के बारे में बताएंगे। ये इस्लामी समोसे देखें आप, ये समोसे आप देख रहे हैं, ये इस्लामी समोसे हैं ये। इसका जो जायका है आपको पूरी मुंबई में नहीं मिलेगा, ना हैदराबाद में मिलेगा। आइए देखें किस तरह से बनाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ुल्फ़िकार कादरी। ज़ुल्फ़िकार कादरी। आपकी शॉप कितने साल पुरानी, कब से चला रहे हैं? 60-65 साल हो चुके हैं, हमारे दादा के ज़माने से कदीमी है। दादा के बाद हमारे वाले साहब, वाले साहब के बाद हम ज़ुल्फ़िकार कादरी चला रहे हैं, 30 साल हो गए। ये रोटी है? हाँ, ये रोटी है। और ये जो आपने मसाला भरे, ये मसाले में क्या क्या चीज़ें हैं? मसाले में प्याज है, गरम मसाला है, मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और कीमा है इसमें। जिसे ये प्याज कह रहे हैं हमारे यहाँ इसको कांदा कहा जाता है, कांदा, कीमा और इसमें जो मसाले मिलाए जाते हैं, उसके बाद फिर ये किस तरह से ये कढ़ाई में जाते हैं, देखें आप। इस तरह से फ्राई होते हैं, फ्राई होने के बाद ये बन के ऐसे निकलते हैं बाहर। ये इस्लामी समोसे दोस्तों, अब इसको जो है मैं खा के बताऊंगा आपको। यम्मी यार, एकदम वेरी लजीज, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील, यहाँ कब से हैं आप? 10-12 साल से। 10-12 साल से ये समोसे आप खाते हैं यहाँ पर? जी। तो कैसे समोसे लगते हैं आप? बहुत बेहतरीन। 10-12 सालों में कभी इनको फ़र्क लगा आपको टेस्ट में? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं लगा? नहीं, तभी तो हम यहाँ आते हैं, मतलब काफ़ी टेस्ट सुने हैं यहाँ पे कि नए मोहल्ले में अच्छे कबाब मिलते हैं और समोसे वगैरह और बिरयानी भी है भाई। कैसा लगा समोसा? बहुत टेस्टी भैया।
कब से खा रहे हैं आप यहाँ के दूध? भैया मैं कहूँ 20 साल होगा खाते हुए। क्या बात है। तो ये जो अभी 20 सालों में कोई टेस्ट इनका बदला गया? नहीं नहीं, वैसे ही है, आज भी वैसे ही है जैसा था। लेने क्या आए हो यहाँ पे? अभी समोसा राइट नाउ। समोसा लेने आए हैं। तो ये समोसे यहाँ के लोग ले जाए, क्या है समोसे की खासियत क्या है? बहुत बेहतरीन समोसे। यहाँ के अलावा कोई ऐसा टेस्ट मिलता कहीं आपका? नहीं फिलहाल। फिलहाल तो इस एरिया के अलावा, इस होटल के अलावा कहीं नहीं मिलता। कितने सालों से आप समोसे खा रहे हैं? करीबन 35 साल हो गए। 35 सालों से समोसे खा रहे हो, कोई फर्क आया टेस्ट में? नहीं, टेस्ट में फर्क नहीं। लाओ बोली। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन, ये बताओ यहाँ के समोसे कैसे लगते हैं आपको? एक नंबर। तो रोज कितने समोसे खाते हो? दो। दो समोसे खाते हो। क्या नाम है आपका? मुफीद खान जी। यहाँ पे आप ये क्या लेने आए हैं आप? बहुत जबरदस्त समोसे लेने। जब भी मैं इधर से निकलता हूँ तो चार समोसे जरूर खा के जाता हूँ। तो क्या है मतलब जायका कैसा है इनका, क्या बात है? सबसे अच्छे समोसे जी, और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? तो कहना चाहेंगे कि समोसे और एक बार उनको खिदमत का मौका देते जी। शुक्रिया। यहाँ पे जो जिस तरह से जो होटल है अंतिया होटल में अंदर आ रहे लोग खा रहे हैं, आइए हम इनसे जानेंगे जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महराज। क्या बात है ये बताया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट है इसका। कुछ मसाले वो कुछ अंदर की तरफ से इनको आता है, इनके हाथ में ऐसा लज्जत है कि पूरे शहर में सबसे अच्छे समोसे यहाँ मिलते हैं। कितने सालों से समोसे खा रहे हैं आप? मैं करीबन 30 साल से तो मैं खा ही रहा हूँ, और उनकी दुकान काफ़ी पुरानी, इनके दादा चलाया करते थे। अच्छा, कितने सालों में कभी जायके में कोई फ़र्क आया क्या? नहीं, जायके में कुछ नहीं, और बल्कि अच्छे से अच्छा लगता जा रहा है। तो आप बाहर के दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे बाहर के लोग अगर जबलपुर कभी आएँ तो नए मोहल्ले आके कबाब और समोसे ज़रूर खाएँ। शुक्रिया। भाई बैठे हैं हमारे, भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जी, कहाँ से आप? हम आंध्रा। आंध्र प्रदेश से। क्या बात है जी। तो यहाँ आंध्र प्रदेश से आप आए, यहाँ पे जो समोसे आप कब से खा रहे हैं आप? इधर हमें आके महीना हुआ जी। इधर समोसा बहुत मजा है। यहाँ का समोसा कैसा लगा? सुपर सुपर सुपर। अच्छा, आंध्र में इस तरह का समोसा मिलता है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलता इधर आंध्र में है तो सुपर है, नहीं मिलेगा इधर। इसका जो टेस्ट है कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त, आंध्र में नहीं मिलेगा। तो आप बाहर के अपने लोगों का कहना चाहेंगे यहाँ के समोसे के बारे में? इधर के समोसे सुपर, आंध्र में तो नहीं है, सुपर है। अच्छा जुल्फकार भाई, हम जानना चाहेंगे समोसे टिक्कियों के अलावा आपके यहाँ और क्या क्या बनता है? बिरयानी भी है। बिरयानी दिखाएं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह ये देखिए बेहतरीन ज़बरदस्त बिरयानी का भी यहाँ पे बनाई जाती है, यहाँ पे बहुत ही जायका होता है। अच्छा, इसके बारे में आप बताएं, आपकी शॉप के बारे में और समोसों के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से ये बिजनेस जो मैं चला रहा हूँ मेरे पूर्वजों का है, और आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे को बड़ी इसमें शोहरत अदा फरमाई, सरकार वसीफा की दुआएं हैं, बस अल्लाह ताला बस ऐसे ही जो है मेरा बिजनेस कामयाबी की तरफ चलता रहे, तो लोगों की हिम्मत का मौका मिलता है। ये हनफिया होटल जबलपुर हुसैन चौक पर आप आएँ और हनफिया होटल में समोसे ज़रूर खाएँ, फिर उसके बाद आप बताएँ कि क्या बात है। तो दोस्तों, मैं हूँ अयाज़ अहमद खान, मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत।